सब शहर से थे, गांव से हम थे, तो वो लड़कियां मुझे गांव से देखती हैं कि शिवानी गई है बिग बॉस में, जो बिग बॉस नहीं जानती थी, जो मेरे बदौलत बिग बॉस देखना स्टार्ट करी थी। तो मेरा हौसला बहुत बढ़ रहा था कि नहीं, हम गांव से आए हैं तो हमें ट्रॉफी जीतनी है, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। मैं घर से बेघर हो गई हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जितना जनता का प्यार देखा, ट्रॉफी जीतने का सपना था, लेकिन जनता का प्यार देखते ही ट्रॉफी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ हो गई कि ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इस प्यार के आगे तो ट्रॉफी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शिवानी, जैसे कि आपने कहा गांव के लोग, अफकोर्स आपकी वजह से लोग गांव के ऐसे लोग भी देखना स्टार्ट किए बिग बॉस, जो कि नहीं जानते थे। जी और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अनफेयर हुआ है बिग बॉस, जहां अरमान फैमिली को इतने ज्यादा एडवांटेजेस मिले उन्हें, आपको अगर वो मिलता तो कहीं ना कहीं अभी तक आप टिकी रहती, क्योंकि उन्होंने हाथ छोड़ दिए, पुश कर दिया। इवन उनकी पत्नी कृतिका ने भी आपको पुश किया था, विदाउट आपने हाथ नहीं लगाया था। तो आपको लगता है बिग बॉस कहीं ना कहीं उनके तरफ ज्यादा ही फेयर दिखा रहे हैं अपनी बिग तरफ? बॉस को मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बिग बॉस का तो मैं सम्मान करती हूँ कि मुझे बिग बॉस ने बुलाया, गांव की लड़की बिग बॉस में जाती है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। सबसे पहले मैं बिग बॉस का धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे वहाँ बुलाया, एक मौका दिया, मुझे सारी दुनिया देख रही है, आप सब लोग इतने कैमरे लेके खड़े हैं, तो ये बिग बॉस की देन है जो आप लोग मेरे सामने हैं। क्वेश्चन ये था कि आपको लग रहा है कि अरमान फैमिली के साथ फेयर हो रहा है और बाकी कंटेस्टेंट के साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार अरमान मलिक का बिहेवियर है बिग बॉस के घर के अंदर, लोगों के ऊपर हाथ उठाना, फिर कृतिका का भी आपके साथ नोकझोंक होना। ये इसमें बिग बॉस का कोई वो नहीं है कि बिग बॉस कर रहे हैं ये सब, वो अंदर जो भी जनता है, जो भी अंदर लोग हैं, उनकी वजह से ये होता है कि अब तुम वो संचालक, मैं संचालक बनी थी, वो कैप्टन बन गए। कैप्टन बनने के बाद उनके ऊपर पावर चली जाती है कि ये किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो घर के अंदर लोगों पे ही है। अब वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं ये मैटर करता है। शिवानी, स्टार्टिंग में इनिशियल डेज की बात करूँ तो आपकी आवाज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। जी इनफैक्ट बाहर भी कुछ सेलेब ने पोस्ट किए थे, हमें दूसरी मनीषा रानी नहीं चाहिए। क्या कहना चाहोगी आप इस बात को लेकर? बात को लेके मेरी जो आवाज़ थी बिल्कुल, हम जैसे अभी बोल रहे हैं ऐसे ही सेम घर पे भी बोल रहे थे, तो मुझे मेरी आवाज़ को लेके बोलते थे कि इसकी आवाज़ कानों में चुभती है, ये बदतमीज है, ये गांव से आ गई, पढ़ी लिखी नहीं है। माना मैं पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ी, वो लोग सब शहर से हैं और इंग्लिश मीडियम के सब पढ़े लिखे हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अपनी मेहनत करके प्राइवेट में भी पढ़े, जितनी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर पाई मैंने वो की है। अगर मैं भी उनके जैसी इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ी होती तो उनसे आगे हम भी होते, उनके डट के सामना कर पाते। तब भी हमने डट के सामना किया है, जनता जानती है।